G7 में पीएम मोदी की हुंकार के बाद खुल गई संयुक्त राष्ट्र महासचिव की आंखें। भारत के बार बार आग्रह के बाद यूएन चीफ ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। वीटो और रिफॉर्म को लेकर यूएनएससी ने दे दी भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, पिछले काफी सालों से भारत यूएन के अंदर रिफॉर्म और स्थायी सदस्यता को लेकर लगातार हर मंच पर यूएन की मौजूदा पॉलिसी का घेराव कर रहा है। ऐसे में भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब खुद यूएन चीफ की तरफ से मिल गई है। उनके इस बयान के बाद भारत के सपनों को पंख मिला है। अब माना जा रहा है कि भारत के लिए वीटो पावर दूर की बात नहीं। चीन के नापाक मंसूबों पर अंकुश लगाते हुए यूनाइटेड नेशन के चीफ ने भारतीय आवाजों को बुलंद कर दिया है। यूएन चीफ का ऐसा बयान देना भारत जैसे विकासशील देश के लिए महा खुशखबरी है, जिन्हें अब तक संयुक्त राष्ट्र में पराये की तरह समझा जाता था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने खुले तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्ष 1945 के हिसाब से शक्तियों को वितरण करने का काम करता था, लेकिन अब भारत जैसी महान शक्तियां सामना उभर कर आ रही है, जिन्हें नजरअंदाज करना दुनिया के लिए घातक हो सकता है। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा देकर यूएन चीफ के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पीएम मोदी से मिलने के लिए दुनिया भर के नेता में होड़ क्यों मची है। अब अचानक भीड़ से बाहर निकलकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को गले लगाया तो वह नजारा देखकर भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव हक्के बक्के रह गए। जो बाइडेन जैसा महान नेता प्रधानमंत्री मोदी के ऑटोग्राफ के लिए मर मिटने को तैयार है, ऐसा सीन देकर यूनाइटेड नेशन चीफ के होश उड़ गए थे। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि भारत अमेरिका से आगे निकल रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी का कोई तोड़ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से आगे बढ़ेगी। दुनिया भर में देखा जाए तो भारत के अलावा किसी और देश की आर्थिक वृद्धि इतनी तेजी से नहीं होने वाली है। भारत के बाद दूसरे स्थान पर चीन रहने वाला है, लेकिन वह बुरी तरह से नाक रगड़ने के बावजूद भी नंबर वन पर मौजूद भारत को पीछे नहीं धकेल पाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की गति इतनी तेज इसलिए रहेगी क्योंकि उसके घरेलू मांग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत चीन अमेरिका और यूरोप से बेहद आगे निकल चुका है। ऐसे में भारत को परमानेंट मेंबर बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के पास कोई और चारा नहीं बचा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आज के समय में दुनिया भर में शक्तियों का बंटवारा बेहद अलग तरीके से हो गया है। भारत के बिना दुनिया की कल्पना करना एक मजाक माना जाएगा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र में जल्द से जल्द सुधार करके भारत जैसे विकासशील देश को भी उसका तुरंत हक देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन चीफ का यह बयान सुनकर चीन बेहद घबराया हुआ है। चीन साफ तौर पर देख रहा है कि साल 2024 में अर्थव्यवस्था की गति के मामले में भारत उससे आगे निकल जाएगा, और अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा दिया गया भारत के पक्ष में यह बयान चीन को जला जला कर मार डालेगा। यूएन महासचिव ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार समय की मांग है, इसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह अनिवार्य रूप से आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप सत्ता में फिर से बंटवारे का सवाल है। अब हम 1945 में बनाए गए नियमों के अनुसार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। भारत और जापान जैसे देशों को इसमें शामिल करना ही होगा, जिन्होंने न केवल लोकतंत्र बल्कि शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराकर अपनी दावेदारी के लिए एक मजबूत स्थिति पैदा कर दी है। हिरोशिमा में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की नवीनतम टिप्पणी से 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को बल मिला है। भारत भी अपने हक की लड़ाई में पूरी जी जान लगाकर कूद पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनाना और कश्मीर से धारा 370 हटाना प्रमुख मुद्दा था, लेकिन यूएनएससी में परमानेंट सीट पाना भी पीएम मोदी के आंखों का सपना है, और अब उनके सपने को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा पंख मिलने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग करने वालों में भारत सबसे आगे रहा है। भारत ने कई मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र को खुली धमकी भी दी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो एक दिन यूनाइटेड नेशन बर्बाद हो जाएगा और कोई भी देश वहां बैठना नहीं चाहेगा। गुस्से में आकर भारत ने यह भी कह दिया कि हमें आपका वीटो नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वीटो कबाड़ हो गया है।
जब तक आप अपने मूल नियमों में सुधार नहीं करते तब तक संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से फेल साबित रह गया। माना जाता है कि सुरक्षा परिषद वर्तमान चुनौतियों से निपटने में असफल रही है। हिरोशिमा में G7 सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि जब इन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था तो विभिन्न मंचों को शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श क्यों करना पड़ा। आज जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र के अलावा अलग अलग मंचों पर क्यों जा रहे हैं, जबकि उनकी समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र में निश्चित तौर पर हो जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अलग अलग सम्मेलनों में भटकना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि संयुक्त राष्ट्र अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है और अब उसमें महाबदलाव का अत्यंत आवश्यकता है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किया गया तो भारत जैसे विकासशील देश के साथ महाअन्याय होगा। जब जब भारत के साथ अन्याय किया गया है तब तब दुनिया ने दुर्गति देखी है, क्योंकि भारत एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है जो सबकी आवाजों को बल देने का काम करता है। G7 मीटिंग के दौरान जो बाइडेन ने माना कि पीएम मोदी पूरी दुनिया में लोकतंत्र के स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक संस्थापक हस्ताक्षर करता है। हम संयुक्त राष्ट्र का तब से साथ दे रहे हैं जब से हमें आजादी भी नहीं मिली थी और आज हमने दुनिया में अपनी काबिलियत से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। इसके बावजूद भी हमें संयुक्त राष्ट्र में नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? हम UN के फाउंडिंग मेंबर में शामिल थे और इसलिए अब हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आपको बता दें कि UN फाउंडेशन के समय इस चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। कंबोज ने कहा था, 77 साल बाद जब हम यह देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को वैश्विक निर्णय लेने से बाहर रखा जाता है तो हमें सुधारों की जरूरत महसूस होती है। गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए हाल ही के वर्षों में भारत ने सबसे प्रबल दावेदार बनकर अपनी प्रस्तुति दी है। हाल ही में 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने UNSC में बोलते हुए इसे दोहराया भी था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के लिए यह समस्या है कि वह जब तक स्थायी निकाय का हिस्सा नहीं बन सकता तब तक इसके सुधारों के लिए 5 स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति नहीं बन जाती। इन सदस्यों के पास वीटो शक्ति है जो UNSC में अन्य देशों के प्रवेश को रोकने की शक्ति प्रदान करती है। UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन को छोड़कर 4 अन्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने UNSC में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए द्विपक्षीय रूप से अपना समर्थन दिया है। हालांकि चीन ने भारत की दावेदारी में हमेशा बाधा डाली है। चीन के करीबी सहयोगी पाकिस्तान, तुर्की, उत्तर कोरिया और इटली जैसे देश भी UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का विरोध करते हैं। क्या कहना है ऐसे में आपका, इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।